अरे कांग्रेस हारी तभी मानते क्या ऐसा होना चाहिए। कौन बोला भाई, कौन बोला है? अरे कौन बोला भाई, ज्यादा कौन बोला? मेरे से ज्यादा क्यों बोल रहे हो? क्या है फोटो कैसे तुम्हारा बाबा से तुम्हारे जैसे कहते कहते अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। नेहरू जी का अलाम है। आगे बता रहे हैं हम सब कांग्रेस जन इस जगह पे एकत्रित हैं, तो इसी संदर्भ के अंदर मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी रालापता संक्षिप्त संबोधित करें, तत्पश्चात नसीम जी और अंत में हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी। माननीय विजय जैन साहब, राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री, हमारी छोटी बहन नसीम अख्तर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, पार्षदगण, युवक कांग्रेस NSUI, महिला कांग्रेस की तमाम अध्यक्षा, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आज का दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि का अवसर है। याद कीजिए दोस्तों, आज जो भारत आपको नज़र आ रहा है, इस विभूति के साथ, जिस सम्मान के साथ, जिस ऊंचाइयों के साथ, उस भारत की नींव रखने वाले आधुनिक युग के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि पर आइए आप हम लोग मिलकर एक नए संकल्प के साथ, एक नए दोस्त के साथ, एक नई शपथ लें। और नई शपथ इस बात के लिए कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के भाईचारे के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की आज़ादी के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ऐसे योगदान, क्योंकि आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर कहीं हताश होने की दोस्तों आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आप उन पार्टी के जाबाज साथी हो जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज पुनः देश को, देश की एकता और अखंडता उन फासिस्टवादी ताकतों के हाथ के अंदर खतरे के अंदर है, देश का संविधान खतरे के अंदर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जन आज संकल्प लेकर चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने समय में से मैक्सिमम समय कांग्रेस पार्टी को देकर राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेगा, कांग्रेस की नीतियां सिद्धांतों को मजबूत करेगा, कांग्रेस के लिए तत्परता के साथ में काम करके अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। आइए आप और हम लोग मिलकर ऐसे महान नेता को, मैं आज लंबी थोड़ी बात नहीं करना चाहता, अगर मैं बात कहूँगा तो पंसील की, मैं बात कहूँगा तो गुड मिनिस्टर की, मैं बात कहूँगा तो भाखड़ा नागल की, मैं बात कहूँगा तो इंदिरा गांधी नहर की, ये तमाम मुद्दे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है देश के संविधान को बचाने का, देश को बचाने का, देश की एकता को बचाने का, देश की अखंडता को बचाने का, देश के धर्मनिष्ठता का जो हमारा स्वरूप है उसको बचाने की हम प्रेरणा लें और अपने जीवन के अंदर सहभागी बनकर कार्य करने का हम प्रयास करें। जिला कांग्रेस कमेटी जी के अध्यक्ष जी को मैं नेतृत्व में यहाँ मौके पर विश्वास दिलाता हूँ कि आपके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे मजबूत थी, आगे भी आपके नेतृत्व में मजबूत रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथीगण, कांग्रेस हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उपस्थित सभी मेरे साथियों और बहनों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज जिनकी पुण्यतिथि है, सबसे पहले तो अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको सशस्त्र नमन, सशस्त्र बंधन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने जब भारत गुलामी से बाहर आया और उसके अंदर एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था, आज उस भारत के अंदर चाहे रॉकेट हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी मिलें, और आज जो इस तरह भी अभी नसीम जी और अनाथ जी ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर हो, साथ सब में जो योगदान है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, वो कभी भी सुनाया जा सकता सदैव। आधुनिक भारत के निर्माता
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको शशत नमन शशत वंदन। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन कांग्रेस के साथी आज यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करके एक गोष्ठी का जो आयोजन रखा है उसमें जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश को आज आज़ादी के बाद जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ आज हमारे यहाँ हवाई जहाज और बड़े बड़े रॉकेट और बड़े बड़े यानों का जो निर्माण हो रहा है ये सब अगर हमें देखने को मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी सोच और उनकी जिस तरह की कार्यशैली थी उसको लेकर हम आज इस स्थिति में पहुँचे कि हमारा देश एक विश्व के अंदर परचम लहराते हुए सक्षम देश है। उन जवाहरलाल नेहरू जी को उन्हें एक बार वंदन करता हूँ जिनको पूरा देश और पूरा विदेश पूरी दुनिया के अंदर चाचा नेहरू जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुनः शशत नमन वंदन। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की पुण्यतिथि के ऊपर बहुत बहुत नमन, श्रद्धा के साथ उस भारत रत्न को, श्रद्धा के साथ उस पूर्व प्रधानमंत्री को जिसने एक आधुनिक भारत की नींव रखी। आज चाहे आपके बोकारो का स्टील कारखाना हो, चाहे पंचशील के सिद्धांत हो, चाहे गुटनिवस्था की बात हो, चाहे प्लानिंग कमीशन हो, हर मोमेंट के साथ जिसने एक देश के ऊपर सुंदर तस्वीर रखकर देश को प्रगति के पथ पर लेके गया, ऐसी महान विभूति का आज पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश के अंदर जो फासिस्टवादी ताकतें अपना सर उठा रही हैं देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के संविधान के लिए कांग्रेस जन कृत संकल्प होकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के आँख के आंसू पोंछने का प्रयास करें, देश के संविधान को बचाए रखें और जिस मजबूती के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के नवनिर्माण के अंदर अपना योगदान दिया था उसी मजबूती के साथ कांग्रेस जन आगामी समय के अंदर जनता के बीच संघर्ष करके जनता को न्याय दिलाकर जनता की विभूति और जनता के स्वाभिमान को रखते हुए उन तमाम ताकतों को जो देश को तोड़ना चाहती है उनको बेनकाब करेगा और जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। इसी संकल्प के साथ पुनः चाचा नेहरू की इस पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत श्रद्धा सुमन।